हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे और आज हमें उसी के आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आगे के क्वेश्चन आंसर्स कैसे देखना है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे दैट इज वाई हमने उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाए सो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक ट्वेंटी टेन क्वेश्चन कुछ ऐसे कुछ देखे थे अब हमें देखना है उसके आगे के सारे क्वेश्चन और आज हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देने हैं

उसका क्या मतलब होता है और उसकी वजह से क्या पॉसिबल है कौन सी चीज होती है अगर वो गैप नहीं होगा तो क्या होगा नाउ दो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो क्यों होता है ताकि आपके जो न्यूरॉन्स में से जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक जा, जा सके बीच के गैप को हम बोलते हैं स्नेप्स लेकिन अगर वो न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एम्पल्स में है अगर वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक एम्पल्स की फॉर्म में ही जाएगी तो क्या होगा होगा ये कि हमें शॉक लग जाएगा और हम ऊपर पहुंच जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है

वेरी स्मॉल गैप दैट अकर्स बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ एग्जॉन एंडराइड ऑफ द अदर न्यूरोन इज नोन एज दिन दो जो न्यूरोन होते हैं उनके बीच का गैप मतलब एक न्यूरोन का जो एग्जॉन वाला पार्ट है जो लास्ट नर्व एंडिंग वाला पार्ट है और एक न्यूरोन का जो सेल वाला पार्ट है सेल बॉडी वाला पार्ट जिसका डेंड्राइट है डेंड्राइट से कनेक्टेड है मतलब ये एक न्यूरोन अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो ये नर्व एंडिंग होती है ये किससे कनेक्टेड होती है ये नेक्स्ट न्यूरोन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है सो so, इनके बीच का जो गैप होता है उनको हम कहते हैं सिनेप्स नाउ इट एज द वन 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 वे वे टू ट्रांसमिट इन डायरेक्शन ओनली ये किसमें हेल्प करता है सो so देट आपका जो ट्रांसफर uh, हो रहा है इन्फॉर्मेशन का वो एक ही डायरेक्शन में हो वो दूसरे डायरेक्शन में ना हो मतलब अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन यहां जानी है तो वो डायरेक्ट वहीं जाएगी बिकॉज ऑफ दिस गैप अदरवाइज हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है कहीं और चली जाए दिस वन डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स अकर्स एज दी केमिकल्स Are in only one side of the क्यों होता है मतलब देखो यहाँ पर जो uh, सीनेप्टिक नॉब होता है उसके अंदर क्या होता है केमिकल होता है केमिकल क्यों होता है बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक एम्पल्स के फॉर्म में आए इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एम्पल्स के फॉर्म में यहां से आई इन्फॉर्मेशन देन क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर केमिकल के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे जब ये केमिकल के फॉर्म में कलेक्ट हो चुकी है अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में मतलब इस डेंड्राइट में यहाँ पर आएगी वो इन्फॉर्मेशन और जो केमिकल के अंदर जो केमिकल की फॉर्म में है वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नेक्स्ट डेंड्राइट में चली जाएगी लेकिन डेंड्राइट के अंदर कोई केमिकल नहीं था ओनली कहाँ था सिर्फ सिनेप्टिक नॉब में था जो एग्जॉन का जो ये लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये केमिकल था इसका मतलब है सिर्फ एक साइड में केमिकल है दूसरी साइड में नहीं है तो वो डेफिनेटली वो उस तरफ ही जाने वाला है वो अपने कंसेंट्रेशन को दूसरी साइड ही भेजेगा इसका मतलब क्या हुआ सेप्टिक नॉब की वजह से वो जो केमिकल uh, है या वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर इजीली चली जाएंगी चलिए नाउ फ्रॉम एक्सॉन द इम्पल्स ट्रेवल्स ट्रेवल्स अक्रॉस द सिनेप्स टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरोन अगेन सेम थिंग हो गई चलिए नाउ देखो क्या हुआ ये इस तरह से कनेक्टेड है कैसे कनेक्टेड है ये देखो ये एक न्यूरोन हुआ इस न्यूरॉन का जो लास्ट वाला पोर्शन है जो ये लास्ट वाला पोर्शन है यहां से नेक्स्ट न्यूरॉन का देखो डेंड्राइट कनेक्ट हो रहा है लेकिन बीच के अंदर देखो छोटा सा गैप है बहुत माइनर सा गैप जो है वो इनके बीच के अंदर छोड़ा हुआ है नाउ सिनेप्टिक नॉब कहा होता है तो सिनेप्टिक नॉब होता है यहां नर्व एंडिंग पे जो आपको राउंडेड राउंडेड पोर्शन नजर आ रहा है थोड़ा सा ये राउंडेड पोर्शन क्या है ये है सिनेप्टिक नॉब यहां तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी यहां से यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में होगी नाउ जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल में तो यहाँ केमिकल में कन्वर्ट हो गया अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो केमिकल के फॉर्म में नाउ अब ये जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी नेक्स्ट यहाँ डेंड्राइट के अंदर तो ये केमिकल की फॉर्म में ही यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है ये किसी और फॉर्म में नहीं हो सकती जब यहाँ ये ट्रांसफर हो चुकी है इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आफ्टर कन्वर्जन फिर से ये आगे जाएगी लास्ट में जाके फिर केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और अगर इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड वे में देखना है तो देखो क्या होता है ये देखो ये हमारे क्या है सिनेप्टिक नॉब्स है ये सारे जो नजर आ रहे हैं ये क्या है सिनेप्टिक नॉब्स है इनके बीच में होता है छोटा सा गैप और गैप की वजह से क्या होगा यहां से इंफॉर्मेशन जो भी आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में आएगी लेकिन यहाँ आते क्या हो जाएगा केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आगे से आगे ट्रांसफर कर दी जाएगी ठीक है आई होप कि यह चीज क्लियर होगी आपको नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोश्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेंटेन करता है आपकी बॉडी के पोस्चर को मतलब आप जो सीधे खड़े हो जाते हो ये कौन मेंटेन करता है आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है तो ये करता है सरे बैलम सरे बैलम क्या होता है हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए बिकॉज ये क्या करता है ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा अगर आपने पेन पकड़ा है और आप इजिली लिख पा रहे हो बिकॉज ऑफ सैरे बैलम अगर आप इजीली खड़े हो रहे हो बहुत प्रॉपरली खड़े हो एक पर्टिकुलर पोस्चर में खड़े हो इसका मतलब कौन हेल्प कर रहा है आपको सरे बैलम हेल्प कर रहा है और इस सरे बैलम की वजह से ही क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो बैलेंसड रहती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिटेक्ट द सेल द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक इंसेंस स्टिक है या अगरबत्ती है उसकी स्मेल को आप किस तरह से सेंस कर पाते हो तो सिंपल सी चीज है अगरबत्ती जो होती है उसकी स्मेल उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है डिफ्यूज होती है वो पूरे के अंदर जब उसकी वो जो स्मेल है वो डिफ्यूज हो चुकी है पूरे में डिफ्यूज हो चुकी है अब क्या होगा हमारे नोज तक आएगी हमारे नोज में क्या होते हैं ऑल्फेक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करते हैं उस चीज को सेंस करेंगे और सेंस करके इन्फॉर्मेशन कहाँ देंगे हमारे ब्रेन को देंगे तो ब्रेन हमें कमांड देगा कि हाँ ये आपकी क्या है अगरबत्ती की स्मेल है ब्रेन को पता चल गया कि अगरबत्ती की स्मेल है कहीं आपको जाना नहीं है कुछ करना नहीं है तो कमांड कुछ होगा नहीं बस ठीक है हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अगरबत्ती की स्मेल है चलिए नाउ द थिंकिंग पार्ट ऑफ आर ब्रेन इज द फोर ब्रेन हमारा थिंकिंग पार्ट क्या होता है फोर ब्रेन होता है हमारा थिंकिंग पार्ट जो सबसे बड़ा वाला ब्रॉड वाला पार्ट होता है ना हमारे ब्रेन का वो होता है फोर ब्रेन जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होता है इट हैज सेपरेट एरियाज दैट आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग स्मेलिंग साइट टेस्ट टच एटसेट्रा फोर ब्रेन के अंदर हर एक चीज़ के लिए स्पेस स्पेशलाइज एरिया होता है अगर हियरिंग करनी है तो भी एक एरिया होगा स्मेलिंग है तो भी एक अलग से एरिया होगा अगर किसी चीज़ को सेंस uh, करना है तो भी उसके लिए क्या होगा एक अलग से एक एरिया होगा मेमोरी है हमारी उसके लिए भी एक अलग से एरिया होगा नाउ द फोर ब्रेन ऑल्सो हैज़ द रीजन दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स एक ऐसा पोर्शन uh, भी है हमारे फोर ब्रेन के अंदर जहां पर क्या होता है सारे रिसेप्टर्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी कलेक्ट की जाती है नाउट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इन सेंसट्रिक डिफ्यूज इन द एयर एंड दिस स्मेल इज डिटेक्टेड बाई ऑलफेट्री रिसेप्ट ऑब्वियसली बात है जो अगरबत्ती है उसकी स्मेल क्या होगी उसकी फ्रेग्रेंस क्या होगी पूरे में डिफ्यूज हो जाएगी सब जगह पर उसके बाद हमारे जो ऑलफैक्ट्री रिसेप्टो हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको रिसीव कर लेंगे उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन वो कहाँ भेज देंगे ब्रेन को दे देंगे तो ब्रेन रिसीव द इन्फॉर्मेशन एंड सेंसिस इन्फॉर्मेशन टू द फोर ब्रेन ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली आफ्टर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन वो क्या करेगा वो फोर ब्रेन को देगा तो फोर ब्रेन को समझ में आएगा कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन तो किसकी है ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है किसकी है अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है तो हमें पता चल गया कि अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है देन द फोर ब्रेन इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग इट टूगेदर विद द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन वो किससे कंपेयर करता है उस चीज को ऑलरेडी जो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है ना बिकॉज हमारी मेमोरी भी तो है कुछ

जिसके अंदर हम थिंकिंग पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं दैट मीन्स कि हमारा कोई थिंकिंग पार्ट इसके अंदर नहीं आने वाला है थिंकिंग होगी ही नहीं हम सोचेंगे ही नहीं और हम सोचेंगे ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ ब्रेन को इंक्लूड करेंगे ही नहीं बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसके लिए कमांड कौन देता है हमारा स्पाइनल कोड देता है चलिए फॉर एग्जाम्पल वेन वी टच हॉट ऑब्जेक्ट वी विदड्रॉ आवर हैंड इमीजिएटली विदाउट थिंकिंग एज थिंकिंग मे टेक टाइम विच वुड बी इनफ टू गेट अर्ज बर्न थिंकिंग में टाइम वेस्ट करोगे सोचेंगे क्या करना है तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा तो थिंकिंग वाला प्रोसेस हम बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर सकते थिंकिंग वाला पार्ट उसमें आएगा ही नहीं देंसरिंग नर्व दैट डिटेक्ट दीट आर कनेक्टेड टू दर्व दैट मूव टू दसल्स ऑफ दच अनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम दर्व इनपुट और रिस्पॉन्डिंग टू इट क्विकली आउटपुट इज कॉल्ड प्रेजेंट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व इन द बंडल इन द स्पाइनल कोड मतलब क्या हुआ अगर सपोज कोई इंफॉर्मेशन है आपको मिली है ठीक है जैसे हमारा सपोज ये हमारी क्या है कैंडल है ये हमारी कैंडल है कैंडल से क्या हुआ आपका हाथ जल रहा था तो क्या होगा इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी कहां पर ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे ये क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे कहां तक स्पाइनल कोड तक लेकर जाएंगे ये लेकर गए कहां तक हमारे ये लेकर गए स्पाइनल कोड तक ठीक है हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं तो कलर चेंज कर लो चलो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ आ गई हमारे स्पाइनल कोड तक आ चुकी है अब हमारा स्पाइनल कोड क्या करेगा इसको देगा बोलेगा कि ठीक है फटाफट से अपना हाथ हटाओ ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है रिले न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देगा और रिले न्यूरॉन से फिर वो इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके मोटर न्यूरॉन तक मोटर न्यूरॉन या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरॉन्स न्यूरोन्स न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स के पास इन्फॉर्मेशन गई और वहाँ से ये इफेक्टिव एरिया तक जाएगी इन्फॉर्मेशन और हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा ठीक है ब्रेन का कोई पार्ट हुआ इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हुआ बिल्कुल नहीं हुआ तो ब्रेन का इसके अंदर कोई भी रोल बिल्कुल भी नहीं होता है अगर ब्रेन का रोल होता तो हम सोच ही रहे होते कि हमें क्या करना है और हमारा हाथ जो है वो पूरी तरह से जल चुका होता इसलिए हम ब्रेन का यूज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करते चलिए देखो यहाँ पर वही सेम चीज है यहाँ ही देखो इसने गर्म चीज को हाथ लगाया यहां से देखो इंफॉर्मेशन कहा गई ये इन्फॉर्मेशन गई हमारे सेंसरी न्यूरोन के थ्रू ये चली गई स्पाइनल कोर्ट तक जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है स्पाइनल कोर्ट तक इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक यहाँ से जानी चाहिए थी लेकिन गई नहीं है यहीं पर है अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यहां से देखो ये जो रिले न्यूरॉन है इसको मिल चुकी है इन्फॉर्मेशन अब ये क्या करेगा ये देगा आपके मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा मोटर न्यूरॉन जो है इफेक्टिव एरिया को इन्फॉर्मेशन दे देगा और जब वो इफेक्टिव एरिया को इन्फॉर्मेशन देगा कमांड देगा तो हमारा जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा ठीक है आई होप की ये चीज क्लियर होगी और जब भी कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन में कभी ब्रेन का कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है तो बोल दीजिएगा कि ब्रेन उसके अंदर इंक्लूड कभी नहीं होता ब्रेन इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा और ब्रेन अगर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो कौन होगा ओनली स्पाइनल कोड होगा बिकॉज स्पाइनल कोड हैज द अथॉरिटी टू गिव द कमांड इन एमरजेंसी सिचुएशंस चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके उससे पहले कुछ हमें और भी देखना है चलो आंसर आप कैसे लिखोगे पूरा आंसर तो देखना ही पड़ेगा

वो डायरेक्टर को फोन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि उनसे कमांड आएगा फिर वो बुझा देगा नेक्स्ट डे उसको डायरेक्टर को बता दिया जाएगा कि हाँ भी हमारे आग लगी थी और हमने क्या किया है फायर ब्रिगेड को बुला के आग को बुझा दिया है तो ये ब्रेन को पता जरूर चल जाएगा ब्रेन को सब पता होता है लेकिन इसका रोल कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर प्लांट हार्मोन्स में ये तो आपको पता होना चाहिए अब तो कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं तो प्लांट हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हारमोन्स प्लांट हारमोन्स को हम क्या कह सकते हैं हम बोल सकते हैं फाइटो हार्मो फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट तो प्लांट हारमोन्स या फाइटो हारमोन्स जो होते हैं क्या होते हैं तो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से प्लांट्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और एनी स्पेशल टाइप ऑफ मसल जिसकी वजह से उसका कंट्रोल हो या उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो इसीलिए उनके अंदर क्या होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स वही हार्मोन्स जो है इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनके अंदर फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमें हमारे प्लांट से फूड नहीं मिलने वाला है चलिए सो प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज दीज आर सिंथेसाइज इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन माइन्यूट लेवल माइन्यूट लेवल पे ही होते हैं ये ज्यादा बड़े नहीं होते ये वन पार्ट के अंदर सिंथेसाइज हो जाएंगे सपोज अगर ये स्टैम के अंदर सिंथेसाइज हुए और की जरूरत कहीं और है तो ये ट्रांसलोकेट कर दिए जाएंगे ये एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और वहां से इनको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है ऐसा नहीं है कि प्लांट की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर सब जगह पर ये बनेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ये बनते हैं और वहां से उनको ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम चलिए नाउ द फाइव मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स है जो कि ऑक्सिन है है साइटोकाइन है ऑक्सीजन जो होता है वो किस में हेल्प करता है ऑक्सीजन जो होता है वो हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा साइटो क्या होता है तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है पूरी मोस्टली सारे ही पार्ट्स के अंदर सेल डिवीजन होता है तो वहां साइटोकाइनिन हेल्प करेगा एप्साइसिक एसिड जो है वो इनहेबिट करेगा ग्रोथ को ग्रोथ को रोकने का काम करेगा मतलब प्लांट के अंदर जो लीव्स का शेड होना ये कौन करने वाला है ये एप्साइसिक एसिड करने वाला है प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम कौन करेगा एप्साइसिक एसिड अब ग्रोथ को रोकना क्यों है तो भाई अगर प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता ही रहेगा तो कहाँ तक जाएगा कितना बड़ा हो जाएगा इसलिए प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम भी कौन करता है एप्साइसिक एसिड करता है इथाइलिन किस में हेल्प करता है तो ये भी एप्साइशन ऑफ लीव्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा मतलब लीव्स के शेड होने में तो हेल्प करेगा ही लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट में भी हेल्प करेगा चलिए आई होप कि हार्मोन्स आपको क्लियर होंगे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट अब जो मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट का होता है लीव्स का एक वो मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट होता है जो कि लाइट को देखते ही प्लांट लाइट की डायरेक्शन में चला जाता है उन दोनों दोनों के के अंदर अंदर क्या डिफरेंस डिफरेंस है 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 तो के अंदर एक बहुत मेजर सेंसिटिव प्लांट जो होता है, अगर आप उसको हाथ लगाते हो मतलब जो टच मी नॉट प्लांट है अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो क्या होगा वो उसकी लीव जो है वो फोल्ड हो जाएगी बट उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली मूवमेंट हुआ लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं नेस्टिक है, मूवमेंट है एंड जो हमारा ये शूट टुवर्ड्स लाइट वाला जो मूवमेंट है मतलब कि लाइट की डायरेक्शन में प्लांट का मूव कर जाना इसमें क्या होता है ग्रोथ इन्वॉल्व होती है प्लांट की ग्रोथ होगी इसके अंदर प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हमेशा कब होगी जैसे ही वो लाइट पड़ेगी उसके ऊपर वैसे ही वो लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाएगा इसका मतलब प्लांट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो करने लगेगा नाउ इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म और ये क्या होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है अगर ये डायरेक्शनल मूवमेंट है तो इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इसको हम क्या कह सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं और ट्रॉपिक के साथ साथ हम इसे कह सकते हैं फोटोट्रोपिज्मा फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाना फोटोट्रोपिज्म क्यों होता है ये ये होता है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से लेकिन सेंसिटिव प्लांट के अंदर तो हमने जस्ट ये कहा नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि हमारा डायरेक्शन शो नहीं होती तो जो सेंसिटिव प्लांट था उसके अंदर क्या था जस्ट हमने उसको टच किया और टच करते ही वो जो लीव्स थी वो फोल्ड होने लग गई और जैसे ही लीव्स का फोल्ड हो गया लीव्स अगर फोल्ड हो गई है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई डायरेक्शन शो नहीं हुई है और अगर डायरेक्शन शो नहीं हुई है इसका मतलब ये एक नेस्टिक मूवमेंट है जो किसी हारमोन के लिए वजह से रेस्पॉन्सिबल नहीं है ये बिना हार्मोन के ही हुआ है जस्ट आपने उसको टच किया और ये हो गया चलिए नाउ द मूवमेंट ऑफ द लीवस ऑफ देंसिटिव प्लांट मेमोसा पुडीका ऑफ टच मी नॉट टच मी नॉट हम उसको बोल सकते हैं इस प्लांट को हम इजिल टच मी नॉट ही बोलते हैं या फिर हम छुई मुई प्लांट बोलते हैं अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टच और कॉन्टेक्ट स्टिमुली दिस इज डन बाय प्लांट सेल्स बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वॉटर इन लीव ये किसकी वजह से होता है इसकी सेल्स के अंदर क्या होगा अमाउंट ऑफ वॉटर जो है वो चेंज हो जाएगा एज आई टोल्ड यू कि सपोज लीव जो होती है सपोज इस तरह से निकली हुई है यहाँ से यहाँ से बहुत सारी लीव्स निकली हुई है मतलब कैसे होगा चलो देखो यहाँ देखो एक बार ये इसकी लीफ निकलने के लिए है यहाँ से छोटी छोटी बहुत सारी लीव्स जो इस तरह से निकली हुई होती है तो ये जो पर्टिकुलर एक लीव है ये क्या होगा इसके अंदर जो ये सेंटर वाला पार्ट है जो ये इसके अंदर सेंटर वाला पार्ट है यहाँ जो वाटर होगा जैसे ही आप इस लीफ को टच करोगे यहाँ का वाटर सारा इस तरफ आने लग जाएगा सारा वाटर जो इस तरफ इनकी लीव के अंदर आ जाएगा जब इन लीव्स के अंदर आएगा तो ये लीव जो है थोड़ी सी हैवी हो जाएगी और इस भारीपन की वजह से ही क्या होता है ये जो लीव्स है ये फोल्ड हो जाती है इसीलिए हम इसको बोलते हैं टच नॉट जैसे ही आपने टच किया वाटर यहाँ से यहाँ आ गया डिफ्यूज हो गया वाटर और ये लीव जो है ये फोल्ड हो जाएंगी चलिए दिस मूवमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ये मूवमेंट जो होता है ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट हम इसको कहते हैं और ये नेस्टिक मूवमेंट क्या होगा इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली और ये नॉन डायरेक्शनल भी है ये जो ग्रोथ है ये नॉन डायरेक्शनल है मतलब इसके अंदर कोई भी जो डायरेक्शन है वो शो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड लाइट इज नोन जो मूवमेंट होता है जो कि light की तरफ होगा, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट uh, ये जो मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल होता है और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा जिसको कि हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होगा ये तो चलिए हम देखते हैं मैं आपको बताती हूँ वैसे होगा देखो uh, ये वाला मैं बताती हूँ आपको सो so, कैसे होगा ये मूवमेंट तो सपोज हमारे पास एक प्लांट है हमारे पास क्या है एक प्लांट है इस प्लांट को हम लेते हैं ग्रीन कलर से चलो इसको ग्रीन कलर से लेते हैं हम इस प्लांट को ये जो हमारा प्लांट है इस प्लांट के अंदर क्या होगा इस प्लांट के अंदर होगा ये कि यहाँ से आएगी सनलाइट जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से क्या आएगी वहां से आने वाली है एक सनलाइट अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है सनलाइट जो है यहाँ ऊपर से अगर आ रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो हमारा हार्मोन होगा जो ये हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है ये यहाँ पर है ऑक्सीजन हार्मोन जो है इस पूरे के अंदर यहाँ पर कलेक्टेड है यहाँ ये कलेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ ग्रोथ जो है वो से से होने वाली है टिप से है टिप ग्रोथ जो वो एकदम स्ट्रेट जाने वाली है मतलब जो प्लांट है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाला है ना अब क्या होगा जैसे कि हमने कहा नेक्स्ट टाइम में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका सन है ये जो आपका सन है ये क्या होगा एक डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आ गया अब ये सन जब इस डायरेक्शन में आ गया लाइट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है तो जो हमारा हार्मोन है वो डिफ्यूज हो जाएगा एक सिंगल साइड के अंदर वो यहाँ इस सिंगल साइड के अंदर डिफ्यूज हो गया इस सिंगल साइड के अंदर क्या हुआ ये कलेक्ट हो चुका है जब ये कलेक्ट हो गया देखो ये हार्मोन कौन सा है ये है ऑक्सिन हार्मोन अब ये ऑक्सिन हार्मोन जो है यहाँ इस सिंगल साइड के अंदर देखो क्या कलेक्ट हो गया कलेक्शन के बाद क्या होगा तो अब थोड़े टाइम बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हमारा प्लांट बॉडी है इस प्लांट बॉडी में क्या हुआ जो हमारा हार्मोन था उसकी वजह से ओके ये प्लांट बॉडी जो है यहां पर देखो जो हमारा सन है वो सन आ चुका था इस तरफ ओके सन को हमने येलो कलर से बनाया था रेड से नहीं बनाना है देखो सन जो है वो हमारा आ चुका था इस साइड में आ चुका है हमारा सन ठीक है इसकी वजह से क्या हुआ था ऑक्सीजन हमारा एक तरफ आ चुका है ना ऑक्सीजन अगर एक तरफ आ चुका है तो अभी हम क्या करेंगे अभी होगा ये हम कुछ नहीं करेंगे अभी होगा ये की जो प्लांट है हमारा ये एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा मतलब ये सन की डायरेक्शन में मूव कर चुका hormone, जिस तरफ होता है उस तरफ क्या होता है ग्रोथ होता है इसी को हम कहते हैं फोटोट्रोपिस में इसको हम क्या कहते हैं फोटोट्रोपिस में कहते हैं क्या था क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था हमें का और लाइट उसके बारे में बताना था सेंसिटिव प्लांट का हमने किस तरह से देखा था तो वो जो लीव्स थी जो इस तरह से थी और फिर 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 टच करा लीव्स के अंदर चला गया हैवी हो और से वो फोल्ड हो गई लेकिन जो फोटो हो ड्रॉप होता है उसमें क्या होगा यहाँ ऑक्सीजन जो है वो कलेक्टेड है आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो था वो एक साइड में हो गया सारा डिफ्यूज हो गया आफ्टर डिफ्यूजन ये जो है यहाँ से ग्रोथ होगी यहाँ जब ज्यादा ग्रोथ होगी इसका मतलब जो प्लांट है वो सन के साइड में मतलब लाइट की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा और जब प्लांट आपका लाइट की तरफ मूव कर गया इसका मतलब ये क्या है ये है फोटोट्रोपिज्म अगर प्लांट हमारा इस तरफ मूव कर चुका है इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब हो रहा है ये फोटोट्रोपिज्म है और इस फोटोट्रोपिज्म को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ये जो होता है ये डायरेक्शनल होता है ये ग्रोथ प्रमोटर भी है चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवेन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हॉर्मोन That एक एग्जाम्पल देना है आपको प्लांट हार्मोन का जो कि क्या करता है ग्रोथ प्रमोटर है मतलब कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प uh, करता है ग्रोथ को रोकता नहीं है तो हमने प्लांट के कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था जिनके अंदर कुछ ऐसे थे जो प्लांट के ग्रोथ प्रमोटर्स थे और कुछ ऐसे थे जो प्लांट की ग्रोथ को इनहेबिट कर रहे थे मतलब ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे थे तो हमें उनमें से सिर्फ प्रमोटर्स के नाम देने हैं इनहेबिटर्स के नाम नहीं देने हैं बाय द वे दिनेबिटर्स कौन से थे तो इथाइलिन था और एक था एपसाइसिक एसिड जो जो कि कि में 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 करता 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 है 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 भी का एक और नाम था प्रमोटर भी है हैबिटर तो है ही साथ ही साथ वो ग्रोथ प्रमोटर भी है चलिए नाउ हमें क्या नाम किसके नाम बताने हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के नाम बताने हैं तो ग्रोथ प्रमोटर्स में देखो एक होता है गिब्रलिन एक होता है हमारा गिब्रलिन हार्मोन और उससे भी पहले कौन सा हार्मोन होता है उससे पहले होता है ऑक्सिन जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था वो है उक्षिन हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ हेल्प किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है वो टिप की ग्रोथ में हेल्प करता है मतलब प्लांट का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा उस पार्ट को ग्रोथ करवाना है तो उसमें क्या होना चाहिए ऑक्सिन होना चाहिए और ऑक्सिन किस चीज से शर्माता है वो सनलाइट से शर्माता है जैसे ही सनलाइट एक तरफ आती है वो दूसरी साइड में छिप जाता है प्लांट में आके चलिए सेकेंड वन इज एंड आफ्टर दैट इट इज साइटोकाइनिन तो ये थ्री हॉर्मोन्स है जो कि ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं साइटोकाइनिन का तो मतलब ही होता है सेल डिविजन इसका मतलब ये सेल में हेल्प करेगा और जहां पर सेल डिविजन हो रहा है इसका मतलब है वहां पर क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है गिबरलिन है किसमें हेल्प करेगा ग्रोथ ऑफ स्टैम में हेल्प करेगा मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है देखो ऑक्सीजन किसमें हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन यहाँ पर टिप्स के ऊपर है जैसे ही सन जो है एक तरफ आ जाएगा वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो दूसरी साइड में आ जाएगा मतलब डिफ्यूज होके जहां शेडी पार्ट होगा उस साइड में आ जाएगा और यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहां पर क्या होता है ग्रोथ ज्यादा होती है अब जब ये एक तरफ है और ग्रोथ इस तरफ से ज्यादा होगी इसका मतलब प्लांट जो है वो कहाँ चला जाएगा वो सनलाइट की डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाएगा ठीक है तो ये तो हुआ हमारा ऑक्सीजन हार्मोन अब ये जब टिप्स पे काम करता है तो ये जो नीचे वाला जो लेटरल बर्ड वाला एरिया होता है उसकी ग्रोथ को ये सप्रेस करने में करता है ये कोशिश करता है कि वहां की ग्रोथ ना हो लेकिन वहां पर भी एक हार्मोन होता है जिसको कि हम कहते हैं हार्मोन हार्मोन क्या करता है तो हार्मोन जो है ये देखो सी डॉमेंसी में भी हेल्प करेगा और स्टेम की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा मतलब प्लांट का जो टॉप मोस्ट एरिया है वहां पर तो होता है ऑक्सीजन जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसके बाद नीचे की साइड में जहाँ स्टेम वाला पार्ट है वहां पर होता है गिब्बरअलिन हार्मोन जो क्या करता है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है नाउ सीड डोरमेंसी में भी हेल्प करेगा ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करेगा सीड डोरमेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सीड जो कि अभी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर सकता वहां वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर वो सीड हमारे घर के अंदर रखा हुआ है हमने कि ठीक है हम उसको एक टाइम के बाद उगाएंगे हम उसको तो भी वो ग्रो नहीं करना चाहिए अगर वहां से प्लांट ग्रो होना लग गया इसका मतलब हमारा जो सीड है वो हमारे किसी काम का नहीं है हम उसको स्टोर नहीं कर सकते लेकिन हम उसको स्टोर कर पाते हैं क्यों कर पाते हैं बिकॉज उसके अंदर उस टाइम पे कौन सा हार्मोन वर्क करता है एप्साइसिक एसिड वर्क करता है ना जैसे ही उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सीड डॉमिन्सी जो है वो ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद सीड जो है वो ग्रो करने लग जाएगा अगर यकीन नहीं होता तो अपने घर के अंदर जो मूंग होता है मूंग है कोई भी दाल ले लो चना है मूंग है कोई भी दाल अगर लेते हो उसको भिगो के रख दो भिगोने के कुछ टाइम बाद आप उसके अंदर देखेंगे एक आ, दो दिन तीन दिन के बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर से कुछ रेडिकल वाला पार्ट निकल के आता है मतलब एक येलो कलर का पार्ट निकल के आता है और हमारी मम्मिया बोलती है कि ये उग चुका है ये उग चुका है क्या मतलब हुआ क्या इसे बड़ा सा प्लांट बना लिया बिल्कुल नहीं लेकिन ये अब उगने की कंडीशन में आ गया मतलब वो सीड को फेवरेबल कंडीशन मिली है और जो है वो ब्रेक हो चुकी है लेकिन अब वो जो सीड है वो प्लांट को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा इसका मतलब है सीड को फेवरेबल कंडीशन मिली थी सेम वैसे ही जब हम सीड को जमीन के अंदर बो देंगे बोने के बाद क्या होगा इसकी डोरमेंसी जो है वो टूट जाएगी डोरमेंसी क्यों टूटी बिकॉज ऑफ गिब्बरअलिन हार्मोन ठीक है ना अब इसमें से देखो ये रेडिकल निकल के आएगा और धीरे 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 क्या होगा ये रेडिकल जो है ये रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद में ठीक है

ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है अब टेंड्रिन क्या है और सपोर्ट क्या है तो हमारे घर में मनी प्लांट तो होता ही है सबके घरों में होता है मनी प्लांट तो मनी प्लांट को अगर आपने कभी देखा हो तो उसको एक अगर सपोर्ट से आप बांध देते हो अगर सपोज एक थ्रेड लगा दिया आपने तो क्या होगा उसके जो होंगे वो उस थ्रेड के चारों लपेट जा, लपेट जाएंगे उसके बाद वहां पर लीव्स आने लगेगी फिर आगे वाला जो पार्ट होगा वो फिर से उस थ्रेड के ऊपर लपेट जाएगा या फिर अगर मैंने कोई एक डंडी रखी है कोई एक लकड़ी वाला लकड़ी जैसा कोई स्ट्रक्चर रख दिया कुछ भी रख दिया मैंने तो वहां पर क्या होगा जो प्लांट होगा वो इसके ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा दैट मीन ये कौन सा प्लांट होता है क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं हम क्लाइंबर्स की बात कर रहे हैं चलिए ऑक्सीजन उसमें कैसे हेल्प करेगा तो देखो टेंडर्स जो होते हैं ना वो सेंसिटिव टू टच होते हैं टेंडर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू टच होते हैं मतलब टच करते ही क्या होगा उनको इरिटेशन होगा उनको सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट यानी ऑक्सीजन अग्रोथ हार्मोन डिफ्यूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ टेंडरल इन कॉन्टेक्ट विद्जेक्टर है तो सपोर्ट के पास क्या होगा टेंड्रिल जाएगा जैसे ही टेंड्रिल इसके पास गया वो इसके कॉन्टेक्ट में आ गया आफ्टर कमिंग इन टू द कॉन्टेक्ट क्या होगा जो ऑक्सीजन हार्मोन होगा वो इसके कॉन्टेक्ट के दूसरी साइड में आ जाएगा जैसा कि हमारे पास सनलाइट uh, से हुआ था सनलाइट से कैसे हुआ था अगर ये प्लांट है और यहाँ पर हमारा है ऑक्सीजन हार्मोन और अगर सनलाइट जो ऊपर थी वो अगर सनलाइट जो साइड में यहाँ आ चुकी है तो क्या होगा ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये एक साइड में आ जाएगा जिस तरफ सनलाइट नहीं है सेम वैसे ही जब हम बात करेंगे सपोर्ट की तो सपोर्ट के पास में अगर टेंडिल क्या हुआ सपोर्ट के पास चला गया यहाँ पर ये टच हो गया टच होने के बाद क्या होगा टच होने के बाद होगा ये कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो जहां जो पार्ट टच में नहीं है मतलब अगर मैं ये फिंगर्स को टेंड्रिल मानू और अगर मैंने इसको टच कर लिया है तो ये वाला जो इनर वाला पार्ट है मेरे हैंड का जो अंदर वाला पोर्शन है ये ये तो इसके टच में हो गया तो ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ नहीं आएगा लेकिन ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ चला जाएगा सेकेंड साइड में मतलब आउटर साइड में आ जाएगा यहाँ वाले पोर्शन में हमारा जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो आ जाएगा जैसा कि सनलाइट से हुआ था सेम वैसे ही हो जाएगा देर फॉर द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंडल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट

जब अंदर की साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो ग्रोथ कैसे होगी बट आउटर साइड में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो ग्रोथ होगी और जिस तरफ से ग्रोथ ज्यादा होती है उस तरफ से क्या होता है जो है आपका वो इस साइड में घूम जाएगा मतलब सपोज अगर ये था इस साइड अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और इस साइड हो रही है तो क्या होगा धीरे 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 ये प्लांट जो इस तरह से घूम जाएगा टेढ़ा हो जाएगा द तो सेम थिंग इज हियर कि जब यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी और सिर्फ इस साइड में ग्रोथ होगी सिर्फ इस साइड में ग्रोथ हो रही है तो इस साइड में होते 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 प्लांट जो इस तरह से आ जाएगा कि हमारा जो टेंडिल है वो इसके चारों ओर सर्कुलर शेप में आ जाएगा और ये इसके चारों ओर क्या करेगा सर्कल्स बना के ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा ठीक है आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट hydrotropism. हाइड्रोट्रॉपिज्म को बताना है आपको उसके लिए आपको क्या बताना है एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोट्रोपिज्म होता है हाइड्रोट्रोपिज्म होता क्या है बेसिकली तो हाइड्रो से आपको बताया था मैंने कि आपको हाइड्रो से याद रखना है वाटर हाइड्रो का मतलब होता है 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 वाटर वाटर और हाइड्रोट्रोपिज्म आपको कैसे याद रखना है? से ही याद रखना रखना से ही मतलब प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जो कि अगर वाटर के पास रहे तो वो वाटर से दूर जाएगा या पास में आएगा दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोट्रोपिज्म नाउ अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का अगर मैं ये मान के चलूं कि चलूँ की मेरी साथ मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी सरफेस सर्फेस्यूम करना है हमें कि हमारी सरफेस है सरफेस के बाद देखो यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो रूट्स होगा नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये रूट सिस्टम होता है ये हमारा हो गया रूट सिस्टम और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जितना भी हमारा ये लीफ वाला हो गया या ये जो भी हमारा स्टैम वगैरह है फ्रूट्स है फ्लावर्स है ये पूरा पोर्शन क्या होता है शूट सिस्टम होता है ठीक है ये हमारा रूट सिस्टम ये हमारा शूट सिस्टम और ये सेंटर में ये क्या ये है हमारी सरफेस है ठीक है अब क्या होगा हमारा जो प्लांट का जो रूट सिस्टम है रूट सिस्टम प्लांट के जो अगर प्लांट के पास में रूट सिस्टम के जस्ट पास में हमने अगर वाटर रख दिया है तो क्या होगा ये जो रूट सिस्टम है ये वाटर की तरफ ही बेंट हो जाएगा मतलब अगर मैंने यहां पर कोई ये क्या किया यहाँ पर मैंने एक पॉट रखा उस पॉट के अंदर हमने क्या किया पानी फिल कर दिया इस पॉट के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया ठीक है ये वाटर हमारा फिल हो गया पॉट के अंदर और मैंने इसको जमीन के अंदर डाल दिया और जमीन के अंदर डालने के बाद यहाँ से क्या किया छोटा सा एक होल कर दिया यहाँ पर छोटा सा एक होल कर दिया उस होल से क्या होगा थोड़ा 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 पानी जो है वो मिट्टी के अंदर आता रहेगा अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा नमी आएगी पानी यहाँ आएगा यहाँ पे तो वैसे ही ये जो रूट्स है ये इस तरफ बेंट हो जाएगी जो रूट्स है ये इस तरफ बेंट हो जाएगी पानी की तरफ आ जाएगी लेकिन हमारे शूट सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इनको पानी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनके लिए रूट्स काम करती है कि रूट्स क्या करेगी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और शूट सिस्टम को दे देगी इसलिए हमारे शूट सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेटा पास में आओ दूर जाओ हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो पानी मिल ही जाएगा इसीलिए काम कौन करेगा रूट सिस्टम करेगा तो पानी की तरफ जाएगा कौन रूट सिस्टम जाएगा इसका मतलब पॉजिटिव हाइट हाइपोट्रॉपिस कौन शो करता है रूट शो करती है रूट्स क्या करती है, है पॉजिटिव हाइपोट्रोपिज्म को शो करती है और जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो नेगेटिव हाइपोट्रोपिज्म को शो करता है ठीक है आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको नाउ कम टू द आंसर आपको आंसर में क्या करना है आपको आंसर में दिखाना है एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही करना है जैसे कि आपको एक प्लांट लिया आपने पास के अंदर आप क्या रखेंगे एक पॉट रखेंगे देखो इसके अंदर हमने क्या किया है यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर हमने डाला है वाटर ठीक है एक कंटेनर हमने लिया बीकर ले लिया ए जिसके अंदर हमने डाल दिया वाटर बीकर बी के अंदर हमने कुछ नहीं रखा है ये हमारा खाली सेंटर में क्या किया एक हमने फिल्टर पेपर का ब्रिज बना दिया फिल्टर पेपर लिया उसको रोल किया रोल करने के बाद ये इस तरह से हमने क्या किया उसमें ब्रिज बना दिया ब्रिज के बाद ब्रिज बना दिया हमने आफ्टर मेकिंग द ब्रिज हमने क्या किया है कि इस जो ये रोल है हमारा इस रोल के अंदर इस ब्रिज के अंदर यहां हमने रखे जर्मिनेटिंग सीड्स जर्मिनेटिंग सीड्स सीड्स रखे हैं डोरमेंट नहीं रखे अगर डोरमेंट सीड्स रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे बिकॉज उनके अंदर कौन सा एसिड है एप्साइसिक एसिड है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है ग्रोथ को इनहेबिट करता है ना जर्मिनेटिंग सीड्स अगर हमने यहाँ रखे हैं तो जब ये जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेट होते ही क्या हो जाएगा जो इनका रूट वाला पार्ट होगा वो रूट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली जो है वो इस साइड में आ जाएगा कैसे आ जाएगा तो देखो यहां देखो क्या हो रहा है जर्मिनेटिंग सीड है ये हमारा बीकर ए जहां हमने वाटर रखा था बीकर बी जहां हमने उसको खाली रखा था बीच के अंदर ये हमारा ब्रिज है ब्रिज के अंदर जैसे ही हमने जर्मिनेटिंग सीड को रखा एक सर्टेन टाइम के बाद हमने उसको चेक किया तो चेक करने पे हमें समझ में आया कि ये जो हमारे सीड्स है इनके अंदर जो रेडिकल निकलता है रेडिकल क्या होता है रूट होती है सीड के अंदर जो रेडिकल निकलता है जो येलो कलर का पोर्शन निकल जाता है ना घर में जब हम आ, बोलते हैं उनको स्प्राउट्स बनाने हैं हमें अगर सीड से अगर हमें स्प्राउट्स बनाने हैं तो आपको पता होगा कि मम्मिया बोलती है कि तो उग गए हैं आलू भी अगर रखा है तो बोलेंगे उग गए हैं तो वो जो येलो वाला स्ट्रक्चर निकलता है जब हम बोलते हैं उसको उग चुके हैं तो ये उगने वाला स्ट्रक्चर जो क्या होता है वो होती है उसकी रूट्स तो वो रूट्स जो है वो इस पानी के साइड में टर्न हो जाएगी और रूट्स पानी की साइड क्यों टर्न हुई बिकॉज जो रूट्स होती है वो पॉजिटिव हाइपोड्रोपिज्म को शो करती है दैट मीन्स कि जिस तरफ पानी होगा उसी तरफ में क्या हो जाएगा ये जो रूट्स है वो चली जाएंगी ठीक है और जिस तरफ पानी नहीं होगा उस साइड कौन जाएगा उसका शूट सिस्टम जाएगा किसी भी प्लांट का सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होगा अब आपको आंसर लिखना कैसे है तो लिखना ऐसे है कि टेक टू स्मॉल बीकर्स ऑब्वियसली वी हैव टू टेक टू स्मॉल बीकर्स जिसको कि हम नाम देंगे ए एंड बी फर्स्ट वन विल बी फिल्ड विद वाटर एंड second वन विल बी empty. So सो लेबल as A ए एंड बी फिल्ड ए बी बीकर ए विद वाटर नाउ मेक अ सिलेंड्रिकल शेप रोल फ्रॉम अ फिल्टर पेपर एंड कीप एज अ ब्रिज बिटवीन बीकर ए एंड बीकर बी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों है ये इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ब्रिज नहीं होगा तो हम वो सीड्स कहाँ रखेंगे और अगर सीड्स नहीं रखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो रूट्स है वो हाइपोट्रोपिज्म को शो करती है चलिए नाउ फिगर में जैसा हमें बताया गया था वैसे अपना अटैच फ्यू जैमिनेटिंग सीट इन द मिडल ऑफ द फिल्टर पेपर ब्रिज नाउ कवर दर से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर सो दैट द मॉइस्चर इज रिटेन ये जो प्लास्टिक कंटेनर है हमने इसको देखो पैक किया है ना ये पैक हमने क्यों किया है सो दैट की यहाँ का जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं चला जाए अगर बाहर जाएगा तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हाइपो ट्रॉपिस में कुछ करता है या फिर नहीं करता है चलिए ना ऑब्जर्वेशन क्या करी है? हमने द रूट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स विल ग्रो टुवर्ड्स बीकर ए जो रूट्स थी वो किस तरफ जा रही थी वो जा रही थी वॉटर के साइड में टुवर्ड्स वॉटर जा रही थी टुवर्ड्स बीकर ए जा रही थी दिस एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट्स द फिनन ऑफ हाइपोट्रोपिज्म यही एक्सपेरिमेंट क्या करता है फिनोमिनन को बताता है कौन सा फिनोमिनन हाइपोट्रोपिज्म के फिनोमिनन को बताता है इसका मतलब रूट्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हाइपोट्रॉपिज्म शो करती है लेकिन उसका जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का वो हमेशा हमेशा क्या करेगा नेगेटिव हाइपोड्रॉपिज्म को शो करेगा चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरह से होता है अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरह से होगा तो एनिमल के अंदर क्या होता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज किया जाता है सर्टेन टाइम पे ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आवर्स हमारी बॉडी में से uh, जो केमिकल सब्सटेंस है वो निकलता ही रहेगा निकलता ही रहेगा नहीं बिल्कुल नहीं एक सर्टेन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में वो ग्लैंड्स क्या करती है सर्टेन टाइम पर कुछ हॉर्मोन्स को कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है सो so देट कि हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस जो है हो सके प्रॉपरली हो सके ना उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हॉर्मोन्स और वो जो ग्लैंड्स होती है आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं डक्ट लेस का मतलब होता है जिसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे जिनके अंदर नलिकाएं नहीं होंगी कोई आर्टरीज कोई वेन्स कोई कैपिलरीज नहीं है दैट मीन्स कि ये अपने सिक्रेशन को ये अपने हॉर्मोन्स को कहाँ देती है ये डायरेक्टली अपने हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में दे देती है मतलब इन्होंने केमिकल सब्सटेंसेस जो थे वो रिलीज तो किए सिक्रेट करने थे कहाँ करेंगी जब डक्ट ही नहीं है पाइप ही नहीं है जाना उनको टारगेट एरिया तक है किसी पर्टिकुलर टारगेट सेल तक जाना है पूरी बॉडी में तो रहना नहीं है उसको तो फिर कैसे जाएंगी ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी अपने हार्मोन्स को अपने सेक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में दे देगी और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में जो हार्मोन्स होंगे वो बॉडी के टारगेट एरिया तक पहुंच जाएंगे नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होती है डक्ट वाली ग्लैंड होंगी वो ठीक है क्त वाली ग्लैंड कैसे होंगी तो इनके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से वो अपने हारमोन को उस पाइप, पाइप के थ्रू टारगेट एरिया तक भेज देती है एक हमारा हार्मोन एक हमारी ग्लैंड होती है एक ग्लैंड होती है पेंक्रियाज जो कि पैंक्रियाज ग्लैंड पैंक्रियाज ग्लैंड जो होती है वो एंडोक्राइन भी होती है और वो एक्सोक्राइन भी होती है कैसे होती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तो ये क्या करती है इनके पास में दो चीजें रिलीज होती है एक तो होता है इंसुलिन हार्मोन एक ये रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन को सेकेंड ईयर रिलीज करती है पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियाटिक जूस आई होप कि आपको याद होगा पैंक्रियाटिक जूस जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पेंक्रिया सेक्रेट करता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे जाता है विद द हेल्प ऑफ और डक्ट एक पाइप के थ्रू जाता है एक नली के थ्रू जाता है इसीलिए जब ये पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट कर रही है जब पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है और ये डक्ट के थ्रू उसको इंटेस्टाइन में भेज रहा है उस टाइम पे ये कौन सी ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड है लेकिन जिस टाइम पे पेंक्रियाज इंसुलिन को बना रहा है इंसुलिन को सेक्रेट कर रहा है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे रहा है किसी डक्ट के थ्रू नहीं भेज रहा है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे रहा है इसका मतलब उस टाइम पे ये कौन सी ग्लैंड होगी उस टाइम पे ये होगी एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स की पेंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड पैंक्रियाज जो होती है वो मिक्स ग्रैंड होती है बाय द वे इंसुलिन क्या काम करता है तो इंसुलिन हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है तो वो फटाफट से पेंक्रियाज क्या करेगा इंसुलिन को सेक्रेशन करेगा सो तो देट कि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ सके जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है शुगर हो जाती है इसीलिए पता होगा आपको कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको रेगुलरली दिए जाते हैं सो so दैट कि उनकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे चलिए नाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की हेल्प से ही होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज हार्मोन्स क्या करते हैं जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको हॉर्मोन्स को सेक्रेट कर देती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो आफ्टर कमिंग इन टू द ब्लड स्ट्रीम ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे अपने टारगेट एरिया तक जाएंगे और अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे द रेगुलेशन ऑफ ओके हार्मोन्स इज द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज सेक्रेटेड बाई ग्लाइंस ऑब्वियसली ये हमारे ग्लाइंस से सेक्रेट होते हैं क्या करते हैं ये तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिस को करने में हेल्प करते हैं अब हम बेसिकली अगर देखें तो हमारे हार्मोन्स का काम क्या होता है सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करना हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी या कम होगी या हम बिल्कुल छोटे रह जाएंगे या हम बिल्कुल बड़े हो जाएंगे या हम नॉर्मल रहेंगे तो ये सब कौन डिसाइड करता है ये डिसाइड करते हैं हमारी बॉडी के हार्मोन्स जिनकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन अगर कम है दैट मीन्स क्या होगा ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो वो बौना रह जाएगा उसमें अंदर क्या आ जाएगा ड्राफनेस आ जाएगी और अगर किसी की बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेस में है तो उसकी बॉडी जो है वो हो सकता है सिक्स फीट से ऊपर चली जाए सेवन फीट तक चली जाए देखा होगा ना किसी को सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट थ्री तक तो, तो हाइट होती है वहाँ तक हो जाए लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो नॉर्मली सेक्रेट हो रहा है दैट मीन्स कि उनकी हाइट भी क्या होगी नॉर्मल होगी जैसे कि बाकी सब पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइट होगी लेकिन ये ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर अगर ये कंटिन्यूसली ग्रो होते रहेंगे तो क्या होगा हम कंटिन्यूस ग्रो करते रहेंगे तो सोचो हम कितने बड़े हो जाएंगे लेकिन ये कंटिन्यूस ग्रो नहीं करते हैं ये एक सर्टेन एज के बाद में ऑटोमेटिकली सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं ना और हार्मोन्स कौन से होते हैं तो एक होता है हमारा एड्रीनलिन हार्मोन जो कि हमारे डर के टाइम पे काम में आता है जैसे ही हम डरते हैं या किसी चीज़ से परेशान होता है उस टाइम पर हमारे बीट का तेज़ हो जाना हमारे ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है एड्रीनलिन हारमोन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के जो सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा उनको भी हारमोन्स कंट्रोल करते हैं चलिए द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन बाई हारमोन्स कम्स अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम द नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इन आर बॉडी कंट्रोल्स एंड कॉर्डिनेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है दोनों ही मिलकर क्या करते हैं हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन में हेल्प करते हैं मतलब हमारी बॉडी जो है बिल्कुल परफेक्टली मैनर में वर्क कर रही है क्यों कर रही है बिकॉज ऑफ दीज टू सिस्टम्स एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है जो कि अपनी सारे सेक्ट्रेशंस को ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली दे देती है और एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरी नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब जो भी हमारी नर्व्स होती है क्रेनियल नर्व्स हो गई स्पाइनल नर्व्स हो गई सारी की सारी मिला के क्या करते हैं नर्वस सिस्टम बनाते हैं सो दैट की हमारी बॉडी जो है कंट्रोल में रहे और उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर चलता रहे चलिए सो so, देखिए कौन कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी थी uh, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके अंदर देखो फर्स्ट कौन सी आती है पीनियल ग्लैंड हो गई हमारी जो कि होती है मास्टर ग्लैंड एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेलिमस आफ्टर दैट देखो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है थायरॉइड ग्लैंड है जो थाइरॉक्सिन हार्मोन देती है ये हो गई हमारी थाइमस ग्लैंड हो गई उसके बाद हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया जो ये किडनी के ऊपर टोपी बनी है वो पेंक्रियाज है पेंक्रियाज आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने उसको पढ़ा है यूट्रस है फीमेल के अंदर होता है यूट्रस ओवरीज होती है फीमेल के अंदर उसके अलावा मेल के अंदर होते हैं टेस्टिंग ठीक है ये सारे के सारे ग्लैंड क्या करते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन्स को देते हैं वो हारमोन्स मिलकर हमारी बॉडी का कोर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं चलिए अगर ये हार्मोन में गड़बड़ है इसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल आयोडाइज सॉल्ट जो सॉल्ट जो होता है वो एडवाइस क्यों किया जाता है क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें आयोडीन्स वाला नमक लेना चाहिए जो ये एड्स आते हैं ना आपके क्या आपकी आ, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है वो क्यों पूछा जाता है वो इसलिए पूछा जाता है कि आयोडीन है या नहीं है अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा तो आयोडीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी अब देखो आयोडीन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो थाइराइड ग्लैंड होती है देखो हमने अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था उसमें से एक थाराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था जो गले के अंदर ये जो थाइराइड ग्लैंड जो ये बटरफ्लाई की तरह नजर आ रही है ना ये थाइराइड ग्लैंड क्या करती है ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन देती है थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सबको कंट्रोल करने का काम इन सबके मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर फंक्शन करने का काम कौन करता है थायरोक्सिन हार्मोन करता है लेकिन डेफिशियसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड अगर इसकी हार्मोन की डेफिशियंसी हो जाती है तो क्या होगा हमारी जो ग्लैंड हो थायरॉयड ग्लैंड जो है वो एकदम से एनलार्ज हो जाएगी बड़ी हो जाएगी थाइरॉयड ग्लैंड कहाँ होती है यहाँ होती है अब ये जो थाइराइड ग्लैंड है हमारी ये थायरॉक्सिन हार्मोन तो दे रही है लेकिन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रॉपर फंक्शन करना है तो उसको आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अगर हम आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते हैं मतलब जो लोग बोलते हैं ना हम बिल्कुल नमक नहीं खाते नमक नहीं खाते नमक नहीं खाते अगर नमक नहीं खाओगे तो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कैसे करेगा इसके लिए भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें नमक लेना जरूरी है सो so दैट कि हमारी बॉडी को आयोडीन मिलता रहे और जो थाइरॉक्सीन हार्मोन है वो इजीली अपना काम करता रहे लेकिन जैसे आपको खाना नहीं मिलता अगर एक दिन तो आप क्या काम करते हो बिल्कुल नहीं करते वैसे ही अगर थायरॉक्सीन हार्मोन को आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो अपना काम नहीं करेगा भले ही वो सीक्रेट हो रहा है वो कलेक्ट हो जाएगा इट गेट्स कलेक्टेड अब जब ये कलेक्ट हो गया तो क्या होगा धीरे 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 जो थाइराइड ग्लैंड है वो बढ़ने लग जाएगी वो बड़ी हो जाएगी तो लोगों को आपने देखा होगा ना जिसके गले बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं हम देख के करते हैं कि अरे कैसे रहते होंगे ये लोग तो वही जो है वो क्यों हो जाता है बिकॉज उनके अंदर आयोडीन की कमी होती है कहाँ होता है ये मोस्टली तो ये होता है पहाड़ी इलाकों के अंदर जहां पर लोग जो है वो सी सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ हमारा जो पहाड़ी नमक होता है सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं जिसके अंदर आयोडीन जो होता है वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होता है जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम क्वांटिटी में है और अगर वो उससे कम क्वांटिटी में है इसका मतलब है जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड है ये एनलार्ज हो जाएगी धीरे 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 एनलार्ज होने लग जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी होने के बाद ना हमें वो प्रॉब्लम करेगी और उसी को हम कहते हैं गोइटर गोइटर का नाम आपने सुना भी होगा पहले भी सोलन नेक जो होती है इसको हम कहते हैं गोइटर इसीलिए हमें क्या कहा जाता है जो आयोडाइज सॉल्ट है उसके लिए एडवाइस की जाती है डॉक्टर भी कहता है कि एक सर्टन लिमिट तक हमें सारी चीज़ें लेनी चाहिए अब अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ज़्यादा नमक लोगे तो भी नुकसान है ज्यादा शक्कर ले लोगे तो भी नुकसान है, इवन ज्यादा फ्रूट्स भी हमें नुकसान करेंगे सब कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज आर बॉडी रिस्पॉन्ड वेन एड्रीनलिन इज सेक्रेटेड इन टू द ब्लड जैसे ही एड्रिनलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर सेक्रेट कर दिया जाता है तो हम क्या रिस्पोंड करेंगे हम मतलब हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी हम बॉडी के कंट्रोल के बिना नहीं कर सकते अगर हमारे ब्रेन ने कुछ बोला है इसका मतलब वो काम आपको करना पड़ेगा और अगर हमारे हार्मोन्स ने बोला है तो भी हमें वो काम करना पड़ेगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है सपोज एक कुत्ता है और कंटिन्यूअसली एकदम से आपके पीछे भागने लग गया खड़े थे आप नॉर्मली जा रहे थे अचानक से एक कुत्ता जो था भागने लग गया आपको देख के बहुत जोर से भोंकने लग गया और आपकी तरफ आ रहा है तो सोचो क्या होगा हम बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी हमें डर लगेगा तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम होता है एड्रीनलिन हारमोन का मतलब जैसे ही आप डर की सिचुएशन में होते हो या घबराहट की सिचुएशन में होते हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस टाइम पर आपका माइंड काम नहीं कर रहा है उस टाइम पे क्या था माइंड मतलब ऐसे वो काम करता है ब्रेन हमारा बट हमारे अकॉर्डिंग ये होता है कि नहीं हम बहुत डरे हुए थे हमारा बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा था बस भागे जा रहे थे तो बस भागे जा रहे थे उस टाइम पे जो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो रही थी जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था इतना सारा ये क्यों बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन बिकॉज ये एड्रीनल क्या करता है एक ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर टोपी जैसे स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है एड्रीनलिन हार्मोन को सेक्रेट करती है जब हॉर्र मूवी देखते हो तब भी ये एड्रीनलीन हार्मोन जो है सेक्रेट होता है कुत्ता पीछे पड़ जाए बाई चांस गाड़ी पे जा रहे हो एकदम से कुत्ता भोगने लग गया तो भी एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है और जब मम्मी थप्पड़ मार देती है ना तब नहीं होता है ठीक है उस टाइम पे नहीं हो सकते बिकॉज हम उस टाइम डरते नहीं है ना हम तो चलो एड्रेनलिन इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन केस ऑफ एनी डेंजर और एमरजेंसी और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो कोई एमरजेंसी आ जाती है क्या अगर तो कोई भी डेंजर आ चुका है कुत्ता पीछे पड़ेगा तो डेंजर ही है हॉरर मूवी देखोगे तो भी वो एमरजेंसी तो है एक आपकी चलिए स्ट्रेस हो गया ये आपका तो इन सबके सारे केसेस में क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलीन हार्मोन को सेक्रेट करना शुरू कर देती है इट इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड ऑब्वियसली इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज वाई ये क्या करती है अपने सारे सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर देती है ये अपने सेक्रेशन को किसी भी डक्ट में नहीं डालती बिकॉज उसके पास है ही नहीं और जब है ही नहीं कोई पाथवे तो कहाँ जाएगा ब्लड के अंदर जाएगा डायरेक्ट एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वैन सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इट्स स्पीड्स अप द हार्ट बीट एंड हैंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स जैसे ही इसको लार्ज अमाउंट में सेक्रेट किया जाएगा वैसे ही हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है बिकॉज जब आप भाग रहे हो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और जब बहुत एमरजेंसी वाली सिचुएशन है तब आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारी हार्ट बीट या हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ होना चाहिए और ये कौन करेगा ये एड्रीनलिन हार्मोन करेगा एड्रीनलिन हार्मोन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में सेक्रेट होगा वैसे ही हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी और हमारी मसल्स तक जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा तेजी से पहुँचने लगेगी द ब्रीदिंग रेट वो भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी बिकॉज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मसल्स के बीच में इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ऑल दीज रिस्पॉन्सेज एनेबल द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और इमरजेंसी ये सारे रेस्पॉन्सेज जो है ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं सो दैट की वी कैन डील विद द एमरजेंसी सिचुएशन ठीक है और डर के मारे हमारा हमें हार्ट अटैक नहीं आ जाए इस चीज़ में भी ये कंट्रोल करते चलिए जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट कैसे होता है देखो एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस सिस्टम क्या होता है सेम चीज़ है जैसे ही एमरजेंसी सिचुएशन आएगी या जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो वैसे ही क्या होगा एड्रेनलिन ग्लैंड जो है ना वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और वो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो धीरे लगेगा ठीक है जो हमारा मास्टर ग्लैंड होते हैं इवन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है हमारी हाइपोथेलिमस उसको जब पता चलेगा कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन आई है तो वो स्पाइनल कोड को सिग्नल uh, देगा और स्पाइनल कोड जो है वो नर्व इम्पल्स देगा किसको एड्रिनल ग्लैंड को जो ये टोपी जैसे स्ट्रक्चर है ना किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड को इसने स्ट्रक्चर uh, इसने वो सिग्नल दे दिया सिग्नल देने के बाद में ये जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड ये क्या करेगा एड्रीनलिन हार्मोन को सेक्रेट करेगा एड्रीनलिन हार्मोन को सेक्रेट करके अब ये हार्मोन कहाँ जाएगा ये हार्मोन जाएगा हमारी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए यही हार्मोन जो है लीवर जो है वो ग्लूको uh, ग्लूकागोन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर बिकॉज हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ज़्यादा ग्लूकोज भी चाहिए उसके अलावा डिक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है अब कुत्ता पीछे पड़ा है तो क्या पकौड़े की खुशबू आती है क्या आपको साइड से बिल्कुल नहीं आती ना पकौड़े खाने का मन करता है क्यों नहीं करता भाई इतनी इतना डर है अभी कुत्ता हमें खा जाएगा उससे बेटर है ना कि हम भाग लें पकौड़े खाने बैठेंगे तो पता चला हमें खा लिया किसी ने चलो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है डायलेशन ऑफ ब्रॉन्कीोल्स हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा ये करेगा एड्रीनलिन हारमोन बिकॉज ये हमारी हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को उस सिचुएशन से कॉपअप uh, करने में उस एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली डील कर सके उससे इसीलिए ये हार्मोन क्या करता है हमारी हेल्प करता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर सम पेशेंट्स विद डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन एज आई टोल्ड यू ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक हारमोन होता है इंसुलिन ये कौन सेक्रेट करता है ये पेंक्रियाज सेक्रेट करता है पेंक्रियाज जो है ये देगा कौन सा हारमोन देगा ये इंसुलिन हारमोन देगा और ये इंसुलिन हारमोन क्या करता है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है इट कंट्रोल्स आर ब्लड शुगर लेवल और अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट होगा कंट्रोल्स आर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा अब जब ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा लेकिन जिनको डायबिटीज़ है जिनको डायबिटीज होती है उनका ये इंसुलिन जो है ये काम नहीं करता इंसुलिन अगर काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा और अगर कंट्रोल में नहीं आएगा तो क्या होगा शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा और उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं हमें इंसुलिन uh, के इंजेक्शन दिए जाते हैं सो देट कि हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे ठीक है डायबिटीज़ इज अ डिजीज़ इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज टू हाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो हम उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसुलिन अ हार्मोन सीक्रेट बाय द पैंक्रियाज हेल्थ इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल दिस इज अ रीजन वाई डायबिटिक पेशेंट आर ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन क्यों दिया जाता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए दिया जाएगा अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब आपने इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया है अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है और आई होप कि अब आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होने वाला है और अगर फिर भी डाउट है कोई बात नहीं कॉमेंट सेक्शन में बताओ नहीं तो वीडियो को वापस देखिए थैंक यू सो मच